वसुंधरा। भजन लाल ने सर ही झुका लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में अब खुलकर ये देखने के लिए मिल रहा है कि दो गुट पड़ चुके हैं बीजेपी के, एक वसुंधरा राजे का गुट और दूसरी तरफ है भजन लाल शर्मा का गुट। इन्हीं बातों के बीच अब वसुंधरा राजे ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। सबके सामने ही वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा को बेइज्जत कर दिया है, और यही नहीं, भजन लाल शर्मा इस बेइज्जती पर सर झुकाए बैठे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शनिवार को राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे समेत कई नेता मौजूद थे, और इसी कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा को बेइज्जत किया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ऐसी बेइज्जती की कि सब सन्न रह गए। वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में कहती है, राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हर किसी को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। राजनीति में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है पद, मद और कद। पद और मद हमेशा नहीं रहते, पर अगर नेता कार्यकर्ताओं के बीच रहे तो उसका कद रहता है। राजनीति की राह आसान नहीं है, इसमें कई बार झटका भी लगता है, पर हमें पार्टी में रहकर उसके लिए काम करना है। आप पहले वसुंधरा राजे का वो बयान सुनिए कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं, और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। तो सुना आपने, अब वसुंधरा के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि साफ साफ वसुंधरा ने भजन लाल शर्मा की बेइज्जती की है और कह दिया है कि पद रहने से कुछ नहीं होता है, कद ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पार्टी में आज भी वसुंधरा का कद ज्यादा है। ये इशारा वसुंधरा का भजन लाल की तरफ था। लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा ने ऐसा करके भजन लाल को बेइज्जत कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, एक नजारा ये भी था जब वसुंधरा बेइज्जत करती रही और भजन लाल शर्मा वसुंधरा के बयान पर चुपचाप सर झुकाकर ताली बजाते रहे। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की तो देखा आपने, कहा जा रहा है वसुंधरा राजे ने साफ साफ भजन लाल शर्मा और आलाकमान को संदेश दिया है कि कद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पद से कुछ नहीं होता। भले ही भजन लाल शर्मा को सीएम का पद मिल गया है, लेकिन आज भी कद जो है वो राज्य का बड़ा है। ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल वसुंधरा के बयान पर आपकी क्या राय है कम करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको वसुंधरा राजे का पूरा बयान सुनवाते हैं, सुनिए। धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं, और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है।
मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि इस मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत,